बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये चौक दामन का न्यू डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमने अपनी बुकरम को काट के अपने चौक के हिसाब से, अपनी चौक के लेंथ के हिसाब से 19.5 इंच पे काट लिया है। चौड़ाई इसकी तकरीबन 2.25 इंच है और दरमियान में से हमने 1 इंच पे बुकरम को कट कर दिया है। आप अपने चौक के हिसाब से बुकरम की लेंथ ले सकते हैं। अब हम दरमियान में से इसको कट कर देंगे, इस तरह से पकड़ के छोटा सा कट लगाएंगे और बिल्कुल दरमियान में से कट कर लेंगे। 1 इंच के फासले पे छोड़ के किनारे कट करेंगे, इस तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट कर लेंगे और जो हमने ऊपर वाली साइड पे छोड़ा था उसको भी इसी तरह से 1 इंच के फासले पे इस तरह से कट कर देंगे। अब हम अपनी गम की मदद से पहले दरमियान में गम लगा के अपने कपड़े को चिपका लेंगे। इस्त्री की मदद से भी चिपका सकते हैं। दरमियान वाले कपड़े को इस तरह से पकड़ के फोल्ड करके चिपका लेंगे फुल उंगली की मदद से प्रेस करके, ताकि बीच में कोई बल वगैरह ना आए। ये वाला जो हमने किनारा बनाया था इसको इस तरह से और दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम किनारों वाली साइड पे भी इसी तरह से, इस वाली साइड को हम नहीं चिपकाएंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से गम लगा के हम अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर वाला किनारा बनाएंगे, थोड़ा सा कट करके नीट कर लेंगे, जो कि हमने थोड़ा सा तिरछा बनाया है। यह हमने पट्टी हमारी इस तरह से तैयार कर ली है। अब हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए हम 1 इंच के पहले हम इधर निशान लगाएंगे, दूसरी साइड पे 1 इंच के इधर निशान लगाएंगे, इस तरह से 1-1 इंच पे। ये हमारी पट्टियाँ हैं जो हमने सिलाई लगा के पलट ली हैं। अब हम इनको गम की मदद से डिज़ाइनिंग करेंगे अपनी पट्टी के अंदर। पहले हम इस तरह से रख के, जिधर हमने 1 इंच पे निशान लगाया था उधर हम इस तरह से गम लगा के पट्टी को इस तरह से चिपका देंगे। अब हम इसी पट्टी के ऊपर इस तरह से गम लगा के दूसरी पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर चिपका के, जिधर हमने ये दूसरा निशान लगाया था उधर गम लगा के अपनी पट्टी को इस तरह से खींच के, ताकि इसमें बल ना रहे। इस तरह से ज़िगज़ैग की डिज़ाइनिंग बनाएंगे पूरी पट्टी के अंदर। पूरी पट्टियाँ हमने इस तरह से लगा ली हैं। ये पट्टी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसको दामन पे सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड की जानब फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रख के लेस और अपनी पट्टी लगाएंगे, जो कि हमने डिज़ाइनिंग के लिए तैयार की है। गला इसका हमने इस तरह से बनाया है,
दरमियान में कट रख के पाइपिंग लगा के और ये एक लटकन बना के लगा दिया है। ऊपर से थोड़ा सा गोल है। हम इसके दामन पे पट्टी लगाएंगे जो हमने डिज़ाइनिंग तैयार की है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग बन के तैयार होने वाली है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक हमारी सारी डिज़ाइनिंग पहुंच सके। इस तरह से हम ऊपर की जानब अपने कपड़े को फोल्ड करते हो। इस तरह से अपनी नोक को ऊपर अब हम इधर से इस तरह से रख के अपनी पट्टी को और शर्ट को इसके दरमियान में ये वाली हम लेस लगाएंगे। इस तरह से लेस को नीचे रख के दोनों के दरमियान में मशीन को चला देंगे। ये हमारा एक साइड पे लेस और सिलाई लग चुकी है। अब हम पहले दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे। नीचे वाला शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको हम फालतू जो है उसको कटिंग कर लेंगे। हम पहले दरमियान वाली सिलाई लगा लेंगे, फिर हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। आयशा और याद होते दरमियान वाली सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। अब हम अपनी पट्टी के इस तरह लैस रख के सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक चौक की डिजाइनिंग बनके तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। दोनों चौक पे हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली है। इस तरह से हमारे दोनों चौक बनके तैयार हैं। अब हम नीचे पलटा लगाने के लिए एक इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे इस वाली साइड पे भी। इस तरह से लेस को हम पट्टी अपनी शर्ट पे रखेंगे और ऊपर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके एक साइड से थोड़ा सा बाहर की जानब निकाल के जो कि हम बाद में फोल्ड करके तरपाई करेंगे। इस तरह से अपनी लेस और पलटा इकट्ठा लगा लेंगे। इस साइड से भी थोड़ा सा बाहर की जाने बढ़ा के बाकी कट कर लेंगे। इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से तरपाई करेंगे। ये हमारा दामन तैयार है। ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे इसको डिज़ाइनिंग से। इसी तरह से प्यारा लग रहा है। बैक पे सिर्फ हम पलटा और लेस लगा लेंगे। नीचे से फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक हमारी रोजाना की नई वीडियो पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।